सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फोटो लैब एप्लीकेशन से आप अपने फोटो में तिरंगा कैसे लगाएंगे। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि फोटो लैब एप्लीकेशन की मदद से आप अपने फोटो में तिरंगा कैसे लगाएंगे या फिर तिरंगे के अंदर आप अपना फोटो कैसे ऐड करेंगे, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, तिरंगे के अंदर अपनी फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से फोटो लैब एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखते हो, फोटो लैब एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी अपने फोन में डाउनलोड करके रखा हुआ। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे गाइस, यहाँ पर हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन जो रहेगी ओपन होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर लोडिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा। तो चलिए सबसे नीचे की साइड से यहाँ पर स्किप कर लेते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर देखते हो आपका इसका फोटो लैब का जो प्रो वर्जन का जो रहेगा चार्ट, वो आपके सामने आ जाएगा। तो ऊपर की साइड से इसे जो है क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद गाइस, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पर जो है आ जाएंगे, ठीक है ना। अब गाइस, यहाँ पर आपको जो है तिरंगे वाले फोटो एडिट करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर की साइड में आपको कैटेगरीज देखने को मिलेगी बहुत सारी। देख तो बैकग्राउंड है, कार्टून है, इस तरह से यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर ट्रेंडिंग में हैशटैग यहाँ पर लिखा होगा इंडियन फ्लैग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी फोटो आपको एडिट करना है, जिस भी तरीके का करना है, आप जो टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अंदर फोटो इंपोर्ट करके एक शानदार यहाँ पर आप जो है अपनी जो फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी टेम्पलेट्स देखना, मतलब जो भी टेम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का फोटो एडिट किया हुआ, उसी तरीके का आप भी अपना जो है फोटो बना पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो इंपोर्ट करनी है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टेम्पलेट है सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करके इसमें अपनी फोटो इंपोर्ट करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ वाला ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है, नीचे के साइड में गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, अपनी गैलरी से फोटो सेलेक्ट करनी है, जो फोटो इसमें आप ऐड करना चाहते हो। तो चलिए गाइस, ये वाली फोटो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। अब गाइस, यहाँ पर हम इसे सेव कैसे करेंगे उस टेम्पलेट के अंदर, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एरो के ऊपर। एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और गाइस कुछ ही सेकंड के अंदर ये जो फोटो रहेगी हमारे टेम्पलेट में ऐड हो जाएगी। और गाइस सिर्फ एक क्लिक के अंदर हमारी जो फोटो रहेगी वो तिरंगे के साथ जो एडिट हो जाएगी। तो देख सकते हो ऑलमोस्ट डन, मतलब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर हमारी जो फोटो रहेगी एडिट हो जाएगी। तो देख सकते हो हमारी जो फोटो है एडिट हो चुकी है। फिर से यहाँ पर ये चार्ट आ चुका है, तो इसे हम ऊपर की साइड से क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद गाइस यहाँ पर हमारी जो फोटो रहेगी वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर जो है एडिट हो जाएगी। अब जो ऐड आ चुकी है, तो ऐड को क्या करना होगा, ऊपर की साइड में ऐड को भी क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप जो क्लोज कर सकते हो। और गाइस देख तो हमारी जो फोटो वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर जो एडिट हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर कुछ एनिमेशन वगैरह ऐड करना चाहते हो, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप जो ये सभी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट तरीके से हमारा जो है फोटो यहाँ पर जो है एडिट हो चुका है। अब गाइस इसे गैलरी में सेव कैसे करेंगे, तो गैलरी में सेव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर की साइड में देख तो यहाँ पर जो है थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। थ्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस आपको सेव टू डिवाइस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव टू डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस जो ओके पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर जो डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर फिर से ये फोटो लैब का चार्ट आएगा, जिसे हम क्लोज करेंगे। और गाइस देख तो इमेज सेव्ड, मतलब हमारा जो सेव है वो वीडियो जो अपना जो इमेज है वो गैलरी में सेव हो चुका है। तो इस तरह से इसे आप जो है एडिट कर सकते हो फोटो लैब के अंदर, ठीक है ना। और कुछ मैं आपको एडिट करके बताता हूँ। यहाँ से हम बैक आएंगे, दूसरा हम यहाँ पर टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर एक और हम फोटो एडिट करके आपको बता देते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है, सिर्फ आपको टेम्पलेट यहाँ पर लेना है और उसके अंदर अपनी फोटो इंपोर्ट करके आपको जो है अपनी जो है यहाँ पर शानदार तरीके से एक फोटो यहाँ पर आप जो बना सकते हो। तो बहुत सारे टेम्पलेट है, तो एग्जाम्पल के लिए ये वाला भी टेम्पलेट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद सेम प्रोसेस है, इसके अंदर आपको फोटो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर आपको जो भी फोटो ऐड करनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए ये वाली फोटो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इस एरो के ऊपर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और गाइस उसी तरीके से यहाँ पर ये भी फोटो जो है ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ऑलमोस्ट डन बता रहा है, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद देखो तो हमारी जो फोटो है कंप्लीट तरीके से यहाँ पर जो एडिट हो चुकी है। तो इसे भी गैलरी में सेव करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस सेव टू डिवाइस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी फोटो जो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से गाइज यहाँ पर आप जो है फोटो लैब एप्लीकेशन की मदद से आप जो अपने फ़ोन में तिरंगा वाली फ़ोटो एडिट कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।